अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, आज ओला कैब ड्राइवर्स एसोसिएशन की जानिब से जी विशेश्वर रेड्डी के मकान पर पहुंचकर उनकी गुलपेशी की गई। बाद अज़ां इस ऑर्गेनाइजेशन के सदर शाहनवाज ने क्राइम टुडे से बात करते हुए कहा कि ये मसले को इनकी जानिब से बहुत लीडरों के पास पहुंचे थे, लेकिन इनके मसले को किसी ने भी हल करने की या बात करने की कोशिश नहीं की। जब इन्होंने विशेश्वर रेड्डी से मुलाकात की तो उन्होंने पार्लियामेंट में इस बात की आवाज़ उठाई, ये यूनियन की आवाज़ उठाई और इनके साथ होने वाले परेशानियों की आवाज़ उठाई, जिसके बाद ये लोग शुक्रिया अदा करने के लिए विशेश्वर रेड्डी के मकान बंजर हिल्स पर आकर उनका शुक्रिया अदा किया। शेख वाहिद के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़ हैदराबाद। पहले जब पांच साल पहले जब ये आईटी एनेबल्ड टैक्सी कार सर्विस एग्लोमरेटर्स ऊबर, उसके बाद ओला जो आए, सबको बहुत खुशी हुआ क्योंकि इतने नौजवान को रोज़गार दिला रहा बोल के। सही भी जब नया आए थे वो रोज़गार जो है एक एक को 40,000 से आगे 40,000 60,000 तक मिलता था। ऐसे धीरे सब नौजवान को टैक्सी ऑपरेटर्स को पास बुला के शरीफ करके एक पूरा मोनोपोली बना दिया। आज ओला और उबर के अलावा दूसरे कोई टैक्सी नहीं चल सकता कई शहर में, बॉम्बे या दिल्ली और मद्रास हैदराबाद में। अगर अलग चलता बोलते उसका गुराक नया था, एक मोनोपोली बन गया ओला और उबर। सर्विस भी अच्छा ही था, ड्राइवर्स का पेमेंट भी बहुत अच्छा था, लेकिन एक बार मोनोपोली बन गया उन लोगों ड्राइवर्स को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। वो रोजगार नहीं बोल सकते, उसको गुलामी बोल सकते। दीज आर नॉट जॉब्स, इट इज स्लेवरी। क्योंकि पहले जो है पेनाल्टीज नहीं था, कमीशन नहीं था, अच्छा पर किलोमीटर रेट दे रहे थे। अब पर किलोमीटर रेट कम कर दिए, अब कमीशंस ले रहे और पेनाल्टी, ड्राई रन पेनाल्टी, एक्सेस रन पेनाल्टी, आरएनटी पेनाल्टी, कई तरह के पेनाल्टी। और ये आदमी का वो कंप्यूटर्स के टेक्नोलॉजी से ये पेनाल्टी ऑटोमेटिकली इम्पोज करता और ड्राइवर्स के इनकम से, आमदनी से वो सब्ट्रैक्ट करके देता है। वो टेक्नोलॉजी भलाई के लिए रहे, किसको नुकसान करने के लिए टेक्नोलॉजी ने नहीं इस्तेमाल करना। रोजगार दिलाने के लिए टेक्नोलॉजी है, मगर रोजगार दिलाने के बाद वो उन लोगों को गुलामी बनने का टेक्नोलॉजी वो बहुत खराब है। टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके अपना टैक्सी ड्राइवर, अपना नौजवान को इन लोगों गुलामी बन जा रहे, उन लोगों को बहुत नुकसान, टेक्नोलॉजी से इन लोग अपना ड्राइवर को नुकसान दिला रहे। अगर देखे तो डिस्काउंट्स देते, डिस्काउंट्स देने के बाद वो डिस्काउंट्स कंपनी ने देता, कंपनी इन लोगों का जेब में से काट के उन डिस्काउंट दे रहे, बोनस बोल रहे। वो बोनस नहीं, वो पेनाल्टी जैसा है। एक तरफ बोनस है, एक तरफ 200 किलोमीटर के ज़्यादा बोनस जो है 2 रुपये का किलोमीटर बोनस है, और ड्राई रन पेनाल्टी जो है 200 किलोमीटर के बाद होता वो 4 रुपये है। तो ये कई टेक्नोलॉजीज, कई फॉर्मूला लेके अपना नौजवान को बहुत नुकसान, सिर्फ नुकसान, पैसों का नुकसान ही नहीं, उन लोगों को फैमिली रहता, भाई बच्चे रहते, माँ बाप रहते, और इन लोग फैमिली से टाइम नहीं गुजार सकते क्योंकि महीने में सिर्फ 2 ही दिन हॉलीडे है। और एक एक रोज 12 से 13, 14, 15 घंटे तक काम कर रहे, और जेब में गिरा जो है 10-15 के बीच में उन लोगों को आ रहे। ये तो सही भी एक्सप्लॉयटेशन बोलते हैं। इसको जल्दी से जल्दी सब गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवीन होकर आईसी तरफ के एक्सप्लॉयटेशन, ये आईटी एनेबल्ड टैक्सी एग्लोमरेटर्स नहीं है, ये आईटी एनेबल्ड एक्सप्लॉयटेशन है। ये आईटी एनेबल्ड एक्सप्लॉयटेशन को जल्दी से जल्दी वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी साहब का और या स्टेट गवर्नमेंट केसीआर साहब का इंटरवेंशन से
खत्म करना बोल के मैं चाह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नमस्ते सभी भाइयों को। तेलंगाना ड्राइवर एकता एसोसिएशन की जानिब से मैं सैयद शाहनवाज पाशा प्रेसिडेंट एज ए माई एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल्ला शरफुद्दीन और जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रशीद और हमारे मोहम्मद शाहनवाज ट्रेजरर, हम तमाम लोग 2 साल से जिद्दोजहद कर रहे हैं, 2 साल से मेहनत कर रहे हैं कि हमारी आवाज़ को कोई ना कोई उठाए। आज हमें इसी बात का बहुत खुशी है कि हम गरीबों के लिए जनाब कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी साहब ने आवाज़ उठाई। हालांकि हमारी कोई जो है सुनने वाला नहीं था हैदराबाद सिकंदराबाद में, हम हर जगह के दरवाज़े खटखटाए, आखिरी में गरीब की सुनने वाला कहीं ना कहीं निकल जाता। इसीलिए हम यहाँ पे आए और पार्लियामेंट में आवाज़ उठाने के बाद हम साहब की गुलपोशी करें, एक खुशी का इजहार करें कि हमारे गरीबों के लिए भी कोई है, कोई है, हर कोई किसी ना किसी के सीने में दिल है। तो हमारी खुशी से हम जो है यहाँ पे आके आवाज़ उठाए। आवाज़ उठाने के बाद हमारे को ये एहसास हुआ कि आगे भी हमारा साथ दे सकते दिल के, हम इंशाल्लाह हमारी एसोसिएशन को यूनियन में तब्दील करेंगे और उसके बाद हमारे जो कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी साहब है उनको चेयरमैन एज ए चेयरमैन अहदे पे हम जो है ना हम लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। साहब को हमारी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा साथ दीजिए, क्योंकि हमको बहुत टॉर्चर किया जा रहा है कंपनी की तरफ से। और जो बेंगलुरु से मैनेजर आने वाला था, स्ट्राइक 21 जनवरी से जो स्टार्ट हुई थी, 29 को हम स्ट्राइक को मुलतवी करने के बाद हमारे को एक बात का तयखुन दिया था, उसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। बेंगलोर का इफ्तिखार हानिक नाम है, जो कि बंदा 8 तारीख को साहब पार्लियामेंट में थे, तो साहब ये बात बताए थे कि एमपी साहब हमारी ऑफिस में बैठ के बात करेंगे बोल के, तो 8 तारीख को वो नहीं आया। 9 तारीख से लेके 11 तारीख तक मैं बिज़ी हूँ बोल के बताया। तो हम ये यही चीज़ से धोखा खा रहे और हमारी डिवाइडिंग जो कर रहा है इन्हें, यही पॉलिसी चल के डिवाइड कर रहा ड्राइवरों को, और अपनी डिवाइड होने में भी हमारे भाइयों का भी ज़्यादा से ज़्यादा हाथ है, क्योंकि हम मजबूत नहीं रहेंगे तो जो है ये कंपनियां झुकेंगे नहीं। हम अगर मजबूत रहेंगे तो हमारे को अच्छे से अच्छे जनों को झुका सकते हैं। आज शहर हैदराबाद सिकंदराबाद में काफ़ी लोग हैं जो अपने रोज़ी रोटी के लिए परेशान हैं। हम नाहक किसी के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे, नाहक किसी की रोज़ी रोटी पर जो है लात नहीं मार रहे। कुछ लोग एसोसिएशन को बदनाम करने के लिए कई साजिशें कर रहे हैं, हमारे अपने ही लोग, ये क्या है भाई, ये इंसानियत नहीं है। हम एक आवाज़ बन के उठे हैं तो आप उसको साथ देना चाहिए, ये नहीं कि उसको जो है ना इग्नोर करना है। और पार्लियामेंट में आवाज़ जो उठाए थे साहब, मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आगे भी हमारे लिए जो हो सकता है वो कोशिश जारी है, और मैं ये मीडिया के ज़रिए हमारे क्राइम टुडे न्यूज़ के जनाब हिम्मत अली बेग साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो कि टाइम पर आगे हमारी हम गरीबों की आवाज़ उठाने के लिए एक फोकस कर रहे हैं। और ये चीज़ हम आगे पीछे हटने वाले नहीं हैं, जहाँ तक ये हो सके हम जो है आवाज़ उठाएंगे। अभी साहब हमारे को बताए कि क्या करना है क्या नहीं है, जो ओला के मैनेजर वगैरह है वो लोग पॉलिसी चल के ड्राइवरों को टारगेट कर रहे हैं, ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं, और उन लोगों के गाड़ियां अभी भी सेम ऐसी ऑफ रोड कर रहे हैं। उन लोगों को किडनी के प्रॉब्लम्स हो जा रहे हैं, बैक पेन आ रहा ड्राइवरों को। हुकूमत गवर्नमेंट से मेरी गुजारिश है केसीआर साहब से कि आप एक गरीब की आवाज़ सुनने वाले इंसान हैं, आप इस चीज़ को गौर व फिक्र करिए ताकि हमें भी आगे चल के फिर नेक्स्ट 5 ईयर्स आफ्टर हम भी ये बोल सके कि वाकई हमारे CM है बोल के। ये चीज़ को जो है ना गौर व फिक्र करिए, क्योंकि आपकी जो कंपनी का जो आपकी जो पार्टी का लोगो है, एक ब्रांड एम्बेसडर बोलते हो लोगों को, तो उसका मकसद भी जान लीजिए कि ड्राइवर बिना गाड़ी नहीं चल सकती, बिना गाड़ी के ड्राइवर नहीं चल सकता। ये चीज़ को गौर व फिक्र करिए और हमारी जिद्दोजहद जारी रहेंगी। कुछ लोग हमें परेशान कर रहे हैं, इसीलिए हम ये मीडिया के ज़रिए बताना चाह रहे हैं कि अगर हमारे साथ कोई भी गैर गलत या ड्राइवरों को परेशान किया जाएगा तो हम इसके बारे में सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। मखदूम्स बिग मॉल, एक ऐसी जगह जहां दूल्हा दुल्हन बाराती बच्चे और सारे परिवार के लिए शेरवानी, खड़ा दुपट्टा, कुर्ता पैजामा, शरारा सूट,
कोट सूट्स, डिजाइनर साड़ी, शर्ट पैंट, लॉन्ग फ्रॉक एंड फिश कट सूट्स। लिफ्ट की सहूलत के साथ फुली एसी मॉल, मखदूम्स बिग मॉल ऑपोजिट कमान मदीना बिल्डिंग, चार मीनार रोड, हैदराबाद।